मैंने टेस्ट किया हुआ है ड्रिंक, इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस टेस्टिंग ड्रिंक. और मैं इससे पहले रियली एनर्जी ड्रिंक्स की बिल्कुल शौकीन नहीं थी, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था दे टेस्ट लाइक कॉफ सिरप. लेकिन जब से मैंने एज को टेस्ट किया है, आई रियली रियली लाइक द वे इट टेस्ट. सो यू ऑल शुड ट्राई इट. एक माइंडसेट है, जैसे ही माइंडसेट ब्रेक हो जाते हैं चीज़ों के बारे में, तो इंसान के एटीट्यूड्स भी बदलने लगते हैं. एंड नाउ आई थिंक इंडिया एज अ कंट्री बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है. वी आर गेटिंग मोर ओपन टू थिंग्स दैट कम फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑल्सो विद द थिंग्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस. पहले ऐसे होता था नहीं, जो बाहर से आएगा वही अच्छा है, बट नाउ वी नो दैट वी आर ऑल्सो ऑन इंटरनेशनल लेवल, सो वी कैन प्रोड्यूस द सेम थिंग. मुझे लगता है कि एक एक्टर सिर्फ एक एक्टर होता है. आप नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छी लड़की है या वैम्प है. टेक्निकली मैंने दोनों पहलू देखे हुए हैं, क्योंकि मैं मल्लिका भी रह चुकी हूँ, मैं तान्या का रोल भी कर चुकी हूँ. तो अगर आप वर्सेटाइल हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं वर्सेटाइल हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक एक्टर वर्सेटाइल है तो आपको हर तरह के रोल्स करने ही चाहिए. मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की अपने पहले ही सीरियल में, मैं वैम्प, मतलब आई वॉज नॉट ग्रे, आई वॉज ब्लैक, एक भूत का रोल अदा किया था. उसके बाद मैंने जस्सी में मल्लिका का रोल अदा किया, वेयर आई वॉज अ वेरी रियल कैरेक्टर विद पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग. उसके बाद माई थर्ड कैरेक्टर वॉज तान्या, हु इज कम्प्लीटली पॉजिटिव. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप अटक जाते हैं. कुछ लोगों के साथ बेशक ऐसा हुआ है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑडियंसिस की कि उन्होंने मुझे हर तरह के रोल में एक्सेप्ट किया है. आई हैव बिन seriously lucky by God's grace that I have got acceptability in things that I have done. So I'm hoping that all the future roles that I play, people will accept me. मैं भी टीवी से सीधे फिल्मों की ओर ही जाती हूँ, रोज जाती हूँ, एक डीवीडी देखती हूँ हर रात को. एवरी नाइट इज एंडेड विद अ फिल्म, स्टार्टेड विद अ टेलीविजन शूट, एंडेड विद अ फिल्म. और वहाँ तक ही इंटरेस्ट है मेरा फिल्मों में. आई थिंक एक एक्टर होने के लिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेशन को सीरियसली लें. मैं अक्सर देखती हूँ कि बहुत सारे नए बच्चे जब इस प्रोफेशन में आते हैं, उनको ऐसा लगता है ग्लैमर है और इंस्टेंट मनी है, इंस्टेंट फेम है. जब वो आते हैं और उनको पता चलता है कि दिन में 15 घंटे शूट करना है, तो फिर हवा निकल जाती है. बट इट्स अ लॉट मोर देन जस्ट द ग्लैमर, यू हैव टू हैव डेडिकेशन टूवर्ड्स योर वर्क. एक्चुअली लाइफ में अक्सर ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ, आज बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने एक ड्रेस पहनी हुई है. नॉर्मली यू विल ऑलवेज सी मी इन माय जीन्स, फॉर अ चेंज मैंने कोशिश की आज कि मैं अपनी जीन्स घर पर छोड़ दूँ. ऑन स्क्रीन का जहाँ तक सवाल है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो लुक है वो कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करे. मल्लिका के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो लगे कि वो डिज़ाइनर कपड़े पहनती है, बिकॉज शी वॉज द ओनर ऑफ अ फैशन हाउस. तान्या के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लगे एक घर, एक गृहिणी की तरह, यू नो, हाउसवाइफ की तरह. रोशनी चोपड़ा का जहाँ तक सवाल है, जो मैंने कसम से में कैरेक्टर किया, शी वाज अ बिजनेस वूमन, सो शी वाज इन बिजनेस सूट्स ऑल द टाइम. एंड देन इवेंचुअली वी थॉट वी इंडियनाइज हर अ लिटिल बिट, तो उसको साड़ियाँ पहना दी. बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि जो कैरेक्टर आप करें उसका लुक उसके साथ कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए. अगर आप एक गृहिणी का रोल कर रहे हैं और आप दिन रात ब्लू आई शेडो लगाकर घर पर बैठी रहती हैं, तो थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है ना. मैं सिर्फ कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना ही पसंद करती हूँ, मुझे फैशनेबल क्लोथ्स पहनना आता नहीं. इसलिए आप जहाँ भी मुझे देखेंगे, मैं हमेशा जीन्स पहन के घूमती रहती हूँ. मेरा बस चला है, वुड वेक अप इन माय जीन्स, स्लीप इन माय जीन्स.
इट डिपेंड्स, अगर आप रीमेक बना रहे हैं और उसको फ्रेम टू फ्रेम सेम बना रहे हैं तो फिर डायरेक्टर का कोई मतलब ही नहीं हुआ। लेकिन अब अगर आप उस रीमेक को आज के दौर के हिसाब से ढाल रहे हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट पर्सनली आई एम इन फेवर ऑफ क्लासिक्स।